यूपी के जनपद कासगंज के ब्लॉक अमापुर के ग्राम नराई में जनता के बुलावे पर जब हमारी टीम पहुंची तो यहां स्विमिंग पूल बनी सड़क देखने को मिली। यहां ग्रामजन प्रतिनिधि की सेवा पर सवाल उठाना लाजमी है जो कीचड़ से भरी हुई सड़क बता रही है। देखिए हमारे सहयोगी अंकित ने लोगों से क्या वार्ता की। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव कौन सा? नरई। तो ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? ये भरा है 10 दिन हो गए। तो आपने किसी से शिकायत नहीं की? आने की। आने क्या बोला? प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान ने खुद ही लगाया है गुंडू लगा के चुनाव। ये देखो ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये बंदा लगा हुआ है यहाँ पे और काफी पानी भरा है। आपका घर कौन सा है? हमारा घर ये है, दो मंजिल। ये घर इनका है और घर के सामने मतलब काफी पानी भरा हुआ है, तो बहुत समस्या हो रही है। और ये घर वाले हैं, कई दो तीन घर हैं यहाँ पे और बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो ये बताए प्रधान ने लेटरिन वगैरह आई है? कुछ नहीं आया है, हमारी कोई लैट्रिन नहीं है। आज गांव में 70 लैट्रिन से ज़्यादा नहीं निकली। नहीं निकली किसी की नहीं बनी अभी? आपकी नहीं बनी? प्रधान को बोला आपने? हाँ। क्या कहा? पैसा नहीं खाते कह रहा है। ये तो मतलब सरकार से मिल रही है, ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या सरकारी तरफ से दे रहे हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैसे नहीं है तो वो तो भाई सरकार की तरफ से मिल रही है, वो तो अधिकार है आपका लेने का। कोई कार्रवाई नहीं है प्रधान? क्यों नहीं होगी कार्रवाई? पहले आप प्रधान से बात करना, ठीक है? मैंने बात करी है बेटा। तो मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं बात करूंगा। क्या कह रहे हैं प्रधान? 90 साल का आदमी जो, और ये पानी भरा है यहाँ पे, स्विमिंग पूल बना कर रखा है, तो मतलब ये किससे कहाँ से आया पानी? ये गाँव का आया है। गाँव का इनने समर भी चलाई है प्रधान, समर चलाई इसमें। अच्छा, और ये मतलब गांव का टोटल पानी इधर ही आता है? इधर ही आता है। कहीं तालाब वगैरह नहीं है? तालाब बाहर है, गांव से बाहर। गांव से बाहर है तो उसके लिए रास्ता क्यों नहीं बनवाया? ये आगे रास्ता कोई नहीं निकाल रहा है, तो पानी नहीं निकलने दे रहा है। ये नालियों का पानी है, ये चल रहा है घरों में, स्विमिंग पूल बना कर रखा है यहाँ प्रधान ने। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को